सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हुए 100 मिलियन से ज्यादा, 100 मिलियन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पाकिस्तान्स पॉपुलेशन जो है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हो चुके हैं और सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बने हैं। बाइडेन से 2.5 गुना ज्यादा फॉलोअर्स है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही वो सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बन गए। इसकी क्या वजह है? ये बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन इस वक्त मोदी जी जितनी पॉपुलैरिटी शायद ही किसी के पास हो। उसने 5वीं बड़ी ताकत इकोनॉमी के हवाले से बना दिया मुल्क को। तो यकीनन ये देखकर साफ पता चलता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस वक्त काफी पॉपुलर हैं। दुनिया के लीडर आए चले गए, फ्रांस, बर्तानिया, अमेरिका, कहीं आए कहीं चले गए, ठीक है जी। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग एक टर्म बोली जाती है, इस तरह से पीएम मोदी जो हैं वो दुनिया के सबसे फेमस और सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले कह लीजिए के लीडर के तौर पर सामने आए। बहुत सारी जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज हैं, लेडी गागा, किम कर्दाशियन, विराट कोहली, नेमार, ठीक है जी, टेलर स्विफ्ट, इनकी इतनी फॉलोइंग नहीं है जितनी नरेंद्र मोदी की फॉलोइंग है। ये बहुत बड़ी बात है। One of the most popular global leader. मोदी जी का कह लीजिए के करिश्मा है। मोदी जी जो है हर जगह फेमस हैं और पाकिस्तान में भी हर काफी फेमस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आप सभी जानते हैं कि मोदी जी जो हैं उनको ट्विटर के ऊपर अब तकरीबन 100 मिलियन लोग जो हैं वो फॉलो करने लगे हैं। जी हाँ, इस तरह से पीएम मोदी जो हैं वो दुनिया के सबसे फेमस और सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले कह लीजिए के लीडर के तौर पर सामने आए हैं। वैसे तो और बहुत से लीडर्स हैं जिनमें अमेरिका हो गया या यूरोपियन कंट्रीज हो गई, गल्फ कंट्रीज हो गई, एशियन कंट्रीज हो गई, सभी जगह के लीडर जो हैं और स्पोर्ट्स के लोग भी हैं, फिल्म एक्टर्स भी हैं और बहुत से ऐसे लोग जिनको लोग फॉलो करते हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर हैं। लेकिन इस वक्त मोदी जी जितनी पॉपुलैरिटी शायद ही किसी के पास हो। और अभी रिसेंटली जो है उन्होंने 100 मिलियन फॉलोवर्स उनके ट्विटर या एक्स पे समझे के कंप्लीट हुए हैं और उसके लिए मोदी जी ने ट्वीट भी लगाई थी। तो यकीनन ये देखकर साफ पता चलता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस वक्त काफी पॉपुलर हैं। वैसे ये अलग बात है कि जिस वक्त इलेक्शंस हुए, भारत के इलेक्शंस की बात कर रही हूँ, फिर रिजल्ट्स आए, उस वक्त लोगों ने तरह तरह की बातें की। लेकिन बहरहाल मोदी जी का कह लीजिए कि करिश्मा है। मोदी जी जो है हर जगह फेमस हैं और पाकिस्तान में भी खैर काफी फेमस है। लेकिन खैर जरूरी नहीं है कि आपको आपके अगर बहुत से लोग आपके फैन हो तो कई लोग आपके ऐसे भी मिलते हैं आपको जो आपको पसंद नहीं करते। और मेरे ख्याल है खूबसूरती उन्हीं से होती है कि हर तरह के लोग जो हैं वो इस दुनिया में रहते हैं, हर तरह के लोग जो हैं इस प्लैनेट के ऊपर रहते हैं और वो आपको बहुत से लोग पसंद करते हैं तो बहुत से लोग आपको नापसंद भी करते हैं। तो मेरा ख्याल है नेगेटिव चीजों को या नेगेटिव लोगों को इतना भाव नहीं देना चाहिए। वैसे तो खैर मेरे लिए भी बहुत ज्यादा लोग जो है वो नेगेटिव बातें करते हैं और बहुत से तो ऐसे भी हैं जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ कि भाई साहब अब हैं कौन, लेकिन फिर भी मेरे लिए जो है वो नेगेटिव ट्वीट्स लगाते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं। और उसको बहुत से ऐसे लोग जो कभी हमारे दोस्त रहे वो रीट्वीट भी कर देते हैं, तो कोई बात नहीं अगर उनको इसमें खुशी मिलती है। 100 मिलियन से ज्यादा, 100 मिलियन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पाकिस्तान्स पॉपुलेशन जो है उसके बराबर जो है लोग उनको ट्विटर पे फॉलो करते हैं। जो बाइडेन 38 मिलियन, तैयब उर्दगान 20-21 मिलियन, यूएई के लीडर हैं शेख मोहम्मद जो है 11 मिलियन, इसी तरह बाकी जो दुनिया की लीडरशिप है, ट्रूडो, जॉर्ज मेलोनी, मतलब उनकी उतनी फॉलोइंग नहीं है जितनी नरेंद्र मोदी की फॉलोइंग है। इसकी क्या वजह है? ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है जी। बहुत सारी जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज हैं, लेडी गागा, किम कर्दाशियन, विराट कोहली, नेमार, ठीक है जी, टेलर स्विफ्ट, इनकी इतनी फॉलोइंग नहीं है जितनी नरेंद्र मोदी की फॉलोइंग है। ये बहुत बड़ी बात है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर। अब कई लोग तो अब क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं तो लोग इंडिया में ये भी बात कर रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटी का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। ऑब्वियसली करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर है कंट्री के, उनकी सिक्योरिटी का नहीं ख्याल करेंगे थे और इनकी सिक्योरिटी का ख्याल करेंगे, करना चाहिए। इज द इलेक्टेड पर्सन एंड दिस इज द जॉब ऑफ द इंडियन स्टेट, इंडियन सोसाइटी
कि वो अपने लीडर का प्रोटेक्ट करें। पॉपुलर हैं, दुनिया में बहुत ज़्यादा जाने माने जाते हैं, ठीक है जी। भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने तीसरी दफ़ा उनको वज़ीर आज़म के तौर पे चुना और अवाम के पास गए, इनकम्बेंसी फैक्टर होने के बाद फिर वज़ीर आज़म बन के आ गए। पॉपुलैरिटी पीक को छू रही है, दुनिया के लीडर आए चले गए, फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका, कहीं आए कहीं चले गए, ठीक है जी। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग एक टर्म बोली जाती है, कहा जाता है कि इतनी अप्रूवल रेटिंग तो उनकी पार्टी की नहीं है जितनी उनकी एक बंदे की है। सो इसमें एक चीज़ तो ये भी है कि हमारे साउथ एशिया के अंदर पर्सनालिटीज़ को पसंद किया जाता है, वी लाइक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़, हम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ को पसंद करते हैं। हमारे यहाँ हम बात तो बड़ी करते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस चाहिए, लेकिन हम पर्सनालिटीज़ को पसंद करते हैं। नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिकल ब्रिलियंस है, उनका टू बी जिसे वो कहते हैं ना रुथलेस हैं, रुथलेस इन एनीथिंग, जो मैंने चीज़ें सुनी हैं कि वो ब्यूरोक्रेसी को भी जैसा दबा के रखा हुआ है, ठीक है, और उन्होंने अपनी टीम बड़ी अच्छी चुनी हुई है। सो उनके दौर में इकॉनमी बेहतर हुई है, बाकी जो अपोजिशन है ऑलमोस्ट उनके ज़माने में ख़त्म हो गई है। राहुल गांधी वगैरह, मतलब ही इज़ पॉपुलर, ही गॉट 100 सीट्स दिस टाइम उनकी पार्टी ने, बट रिमेंबर कि नरेंद्र मोदी के करीब करीब भी नहीं पहुंचे। सो बीजेपी जो है अ टी सेलर, ठीक है जी, ठीक है जी, इज नाउ द पॉलिटिकल फेस ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। मोदी जी के बारे में आप चाहे जो मर्जी सोचे पाकिस्तान के अंदर, इसमें कोई शक नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा तोहफा उन्होंने जो भारत को दिया है वो नेशनलिज्म का तोहफा दिया है।